चलिए मंडे के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ठीक, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 40,485। तो इस जगह से अगर हम एनालिसिस करेंगे कल के लिए क्या होगा, गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, इस हिसाब से हम देखेंगे। अगर हम देखेंगे इंडिकेटर की, अगर ये ब्लू लाइन नीचे यहीं से क्रॉस किया है तो इस जगह से मार्केट ऑफ होने का ये सिंबल दिया है। ठीक है, अगर इस जगह में हमें ऑफ का सिंबल मिला है तो इस एरिया का प्राइस क्या है, 40,475 यानी 40,500। 40,500 का इसी एरिया में बाइंग जोन का सिंबल दिया है। तो एक डाउट है इसमें, ये डाउट क्या है, इसमें बाई लिखा नहीं। ठीक है, मैंने जो बोला है इस जगह देखिए, अगर ब्लू लाइन यहीं पे क्रॉस कर रहा है तो पी का सिग्नल हो रहा है, तो इस जगह में देखिए सेल लिखा है, लेकिन इस जगह में अगर नीचे जा रहा है तो इसी एरिया में बाय का सिग्नल नहीं है। ये सबसे बड़ा चीज़ है, बड़ा है इंडिकेटर, दोनों एक साथ होना चाहिए। जैसे कि ये नीचे होने वाला है और यहीं पे बाय भी लिखा है, फिर भी मार्केट एक कंसोलिडेट हो रहा है इस एरिया में, 2-3 घंटा की तरह लास्ट तक उसी एरिया में रहा, कोई ऊपर नहीं गया है, तो इसी एरिया में अभी बाइंग जोन है। तो बाइंग जोन क्या बनेगा इसी एरिया में, कौन सा ऑप्शन बनेगा, 40,500। तो चलिए देखते हैं, 40,500 का 40,500 का दोनों ले जाएंगे अभी। ठीक है, तो दोनों लेने के बाद क्या करेंगे, अभी बाय के लिए सोच रहे हैं तो बाय देखेंगे क्या बाय का एनालिसिस होगा। ठीक है, बाय का क्या एनालिसिस होगा इस एरिया में, अगर हम इस एरिया में बाय करेंगे तो क्या होगा, इस अगर इस लास्ट एरिया में देखिए कंसोलिडेटेड प्राइस ये है, ये कंसोलिडेटेड प्राइस लास्ट इस एरिया में मैंने बाय का सिग्नल इसी एरिया में दिया था, तो एक लाइन डाल देंगे इसी एरिया में हमने, क्या होगा, अगर 40,500 में यहीं पर रह रहा है तो इसी एरिया में बाइंग जोन बना। ठीक है, तो प्राइस क्या है, 304। तो लास्ट मोमेंट में 304 में भी क्लोजिंग हुआ है, तो अगर हमने बाय इस एरिया में करेंगे तो क्या होगा उसका टारगेट, टारगेट होगा पहले ये 385। ठीक है, 385 के बाद आप इसी एरिया में सेकेंड टारगेट यहाँ तक ले सकती हो, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस आपका होगा 240 के नीचे आप SL देना। ठीक है, और आपका पहला टारगेट होगा ये 380, सेकेंड टारगेट ये। अगर देखिए कल गैप अप अगर हो गया 413 के ऊपर, ठीक है, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 तक जा सकती है, यहीं से ये नीचे आएगा मार्केट। मार्केट कल अगर गैप अप होता है तो मार्केट इसी एरिया को तुरंत ही आ जाएगा, तो आपने सोचो बाइंग का लेवल इस एरिया में रखना, 307 या 4 इसी एरिया के अंदर रखना, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 240 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका पहला टारगेट रहेगा 394 और सेकेंड टारगेट रहेगा 415-19 और लास्ट टारगेट आपका जो रहेगा 495-500 आपका फाइनल टारगेट रहेगा। तो ये रहता है आपका मॉर्निंग सेशन का जो कॉल आती है, जो मॉर्निंग 9 बजे से पहले जो कॉल मैंने दे रहा था, ये कॉल आपको मॉर्निंग का टाइम में आपका लेना, बस सेकेंड कॉल क्या आएगा उसी टाइम में मैं लाइव मार्केट में आपको कॉल प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा ये अब लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब करना, डेली का डेली कॉल मैं यहीं पे प्रोवाइड करूँगा।